अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमें पढ़ना है साउंड ऑफ पी। क्या पढ़ना है? साउंड ऑफ पी। कल हमने किसकी साउंड पढ़ी? ओ की साउंड। पढ़ो, पी को कौन सी साउंड निकलती है? पी को प साउंड निकलती है। कौन सी साउंड निकलती है? प साउंड। पी से मैंने तीन वर्ड्स लिखे हैं। इस साइड में मैंने कैपिटल लेटर्स में ये वर्ड लिखा है, दूसरी साइड में मैंने यही वर्ड रिपीट किया है स्मॉल लेटर्स में। पी ए आर आर ओ टी पैरोट, पी ई एन पेन, पी ओ टी पॉट। पैरोट मीनस तोता, पेन मीनस कलम, पॉट मीनस बर्तन। देखो बच्चों, कैपिटल पी जो है मैंने आपको बताया है, जो कैपिटल लेटर्स हैं ये ऊपर की तीन लाइन्स में हम लिखते हैं। स्मॉल लेटर्स जो हैं वो आधे बीच की दो लाइन्स में, आधे ऊपर की तीन लाइन्स में। ये आपको याद रखना है कौन सा लेटर किन कितनी लाइनों में है। देखो ये स्मॉल पी है, मैंने चार लाइनों में बराबर लाइन डाली है, फिर बीच की दो लाइनों में ये बनाया है। स्मॉल ए मैंने आपको बताया है, ये बीच की दो लाइन्स में है। आर बीच की दो लाइन्स में, ओ बीच की दो लाइन्स में, टी ऊपर की तीन लाइन्स में, और ये जो है ये दूसरी लाइन पे ऐसे डालना है। समझ में आया? पी ए आर आर ओ टी पैरोट, पैरोट मीनस तोता, पैरोट मीनस तोता। पी ई एन पेन, पेन मीनस कलम। पी ओ टी पॉट, पी ओ टी पॉट, पॉट मीनस बर्तन। पैरोट पेन पॉट। अब मैं इस साइड में पढ़ूंगी। पी ए आर आर ओ टी पैरोट, पी ई एन पेन, पी ओ टी पॉट, पी ओ टी पॉट। पैरोट पेन पॉट, पैरोट पेन पॉट। ये तीन वर्ड्स घर में याद करना, अच्छी तरह से याद करना, इनकी मीनिंग भी याद करना, और फिर लिखने की प्रैक्टिस करना, कैपिटल लेटर्स में भी और स्मॉल लेटर्स में भी। ऐसी तरह पेज लिखना, एक साइड में लिखना कैपिटल लेटर्स में ये वर्ड, दूसरी साइड में लिखना यही वर्ड स्मॉल लेटर्स में। खुदा हाफ।